हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका शर्मा। आज हम बना रहे हैं ब्लाउज में गुम सिलाई किस तरीके से दी जाती है। आइए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा ब्लाउज का सीधा हिस्सा है, यहाँ पर जो हमारे दोनों हिस्से हैं, पीछे का बैक और आगे का फ्रंट, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरीके से हमने आगे हमारे फ्रंट पे सिलाई लगा दी है। अब इसको हम पलट लेंगे। ये इस तरीके से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली थी, अब हमारे ब्लाउज को हमने पलट लिया है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसको जो हमारा साइड में सिलाई थी इस पे सिलाई लगा लेंगे ताकि ये आराम से दब जाए। ये हमारा ब्लाउज है, इसमें हम सबसे पहले कमर का नाप लगाएंगे कि हमारी कमर कितनी है। तो हमने पूरे ब्लाउज को नीचे से नाप लेंगे। हमारी कमर का नाप है 30 और ये आ रहा है 33। तो अब ये 33 जितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको आप इस तरह फोल्ड करिए और इस तरीके से इसको पलट दीजिए। और ये जितना आया है उसको इस साइड निशान लगा दीजिए। ये हमारा आया है 1.3, तो हम ये एक का निशान है और इसके बाद 1, 2, 3, ये 3 डंडियाँ गिनेंगे और इस पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये हमारा कमर का निशान लग गया है। अब हम लगा रहे हैं आस्तीन का नाप। जो हमारा ब्लाउज है उसकी जो ये यहाँ कोहनी तक की आस्तीन है, यहाँ कोहनी तक की आस्तीन है, तो हमारी कोहनी का जो नाप है वो हम लगाएंगे। हमारी कोहनी का नाप है कोहनी का डबल, मतलब जो हमारा नाप है उसका हम दूसरा हिस्सा लेंगे। ये हमारा 5.3, तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया 5.3 पे। और ये आस्तीन की टोटल लंबाई है 10 इंच, जो हमारी कंधे से हमारी कोहनी की लंबाई है। सबकी अलग अलग होती है, किसी की 10 भी हो सकती है, किसी की 11 भी हो सकती है। अब हमारी आस्तीन को कंधे से हम नापेंगे, ये 3.5 इंच। ये 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ पर आप निशान लगाओगे, आपका जो कंधा है इसको आप नापोगे तो वो हमारा निशान है 6 इंच का, मतलब हमारा कंधा है, कंधे की जो गोलाई है मोहरी की वो है 12 इंच, तो 12 का आधा हुआ 6, तो ये हमने 6 पे निशान लगा दिया। इसके बाद हम लगाएंगे हमारे आर्मोल का निशान। आर्मोल का जो निशान लगाएंगे उस निशान को हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे, तो 6 में हम 1.5 बढ़ाएंगे तो ये हमारा आर्मोल का निशान आएगा 7.5 पे। ये 7.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब हमारे सारे निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। ये इस तरीके से हमने सारे निशानों को आपस में मिला लेंगे। और इस पे आप सिलाई लगा देंगे। ये इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। ये इसके पास ही हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर दो सिलाई और लगा लेंगे, मतलब टोटल सिलाई हमारी 3 होना चाहिए। तो ये मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ।
इस तरह मैंने 3 सिलाई लगा लिए, इसी तरह मैं अगली तरफ भी, अगले साइड भी 3 सिलाई लगा लूँगी। ये हमारा ब्लाउज है, अंदर से हमने घूम सिलाई लगाई है, तो अब यहाँ पर आपको जो धागे आते हैं वो उस तरीके से धागे दिखाई नहीं देंगे। ये दोनों तरफ हमने पूरी आस्तीन में भी घूम सिलाई लगाई है दोनों तरफ। अब मैं आप इसको इसका फाइनल लुक दिखा, ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। इसमें लंबी आस्तीन है, ये इसकी डिज़ाइन है, और ये कुछ इस तरीके से हमारे ब्लाउज का फ्रंट है। ये फ्रंट में डिज़ाइन है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।